20 मिनट्स हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे हो गए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मैं सिर्फ दो चीजों को हल्का सा टच करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, जिस चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये रिस्की भी है और अच्छा भी है, इफेक्टिव होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने वीडियो बनानी है जैसे ये बना रहे हैं, इट्स एन इफेक्ट, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, ही हैज टू स्पेंड टाइम हियर, सिटिंग हियर, ठीक है, लेकिन फायदा क्या है, इट विल रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस, ये इसका फायदा भी होता है, रिस्की भी होता है कि किसी को कोई दरमियान में से वीडियो उठा के देखेगा वो आधी बात सुनेगा, ठीक है, वो एक रिस्क भी होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर दो प्लेयर्स हैं, हम साइंस की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट, इनमें कुछ चीजें कॉमन भी हैं और कुछ चीजें मुख्तलिफ भी हैं, कोई बता सकता है इन दोनों में क्या चीजें कॉमन है, साइंटिस्ट में और जर्नलिस्ट में? दोनों रिसर्च करते हैं, जी सर, दोनों रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट करते हैं, वेरी गुड, स्पेसिफिक्स पे आ जाता है, जर्नलिस्ट जो है वो कॉमन है, ठीक है, दोनों रिसर्च करते हैं किसी खास, बिल्कुल ठीक है, और कोई बात? बहुत अच्छी बात है, आप लोग माशाल्लाह, जी दोनों प्रेजेंटर भी हैं। साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, रिकॉर्ड, डेटा एनालिसिस, इससे डील करता है, जर्नलिस्ट नॉन टेक्निकल होता है, जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च से अवेयर भी हो, उसकी रिसर्च का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और एक्सप्रेशन का पूरी तरह ग्रेस्प हो, लेकिन दोनों क्वेश्चन करते हैं, दोनों किसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, दोनों हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं और कोलैबोरेटिव, बहुत कॉम्पिटिशन में होते हैं एक दूसरे के साथ, हर जनरल ब्रेकिंग के चक्कर में होता है, लेकिन कोलैबोरेशन आपस में बहुत कम होती है। फिर उनके दोनों के अपने अपने जार्गन्स हैं, दोनों के अपने अपने खास टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और दोनों एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं। साइंटिस्ट भी जब तक कोई बात अच्छी तरह उसको खुद एक्यूरेसी ना आ जाए वो आगे कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसकी इसकी आपके सामने एक मिसाल रखूंगा, इसकी मिसाल ये है कि एक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट करना है कि उसने एक जीन मार्कर आइडेंटिफाई किया, उसने एक जीन मार्कर ले लिया है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है डिजीज की जेनेटिक्स को मैनेज करने के लिए। मैं आपके सामने स्लाइड पर रखूंगा कि अगर उसको साइंटिस्ट रिपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा और जर्नलिस्ट रिपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा, देन यू विल ऑल हैव टू, बात समझ भी आ जाएगी और फिर मेरी हेल्प भी करेंगे मेरे समझने में। साइंटिस्ट कहते हैं जेनेटिक मार्कर दैट अपीयर्स टू प्रमोट एक्शन ऑफ डिजीज प्रोटेक्शन जीन इन मॉडल प्लांट स्पीशीज हैज बीन आइसोलेटेड, द प्रिसाइज डीएनए कोड हैज बीन शोन टू वर्क इन विवो ऑन द एक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डिजीज प्रोटेक्शन जीन्स, द जेनेटिक मार्कर हैज नॉट येट बीन टेस्टेड इन ग्लास हाउस। अब साइंटिस्ट ऐसे रिपोर्ट करेगा, जर्नलिस्ट कैसे लिखेगा, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जीन व्हिच With a new gene switch that shows promise in helping plant breeders. उसी बात को अगर आप इस पैराए में किसी को कहेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगी यार ये, और स्पेशली पॉलिसी मेकर्स को कहेंगे यार इतनी लंबी चौड़ी आप इस तरह बात करें पॉलिसी मेकर्स के साथ भी, फौरी तौर पर समझाएंगे अच्छा यार इस जीन के लिए तुम्हें और कितनी हेल्प चाहिए, क्या चीज चाहिए जो इस जीन को हम फटाफट मार्केट में लें। इसी तरह इससे आगे की एक आपको आज के लिए मिसाल दो, स्मॉग का इश्यू चल रहा है, ठीक है, आप किसी साइंटिस्ट, अभी पिछले दिनों में 2 हफ्ते पहले लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया डायलॉग, पॉलिसी डायलॉग ऑन स्मॉग एंड क्लाइमेटिक इश्यूज, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के भी एक साहब आए हुए थे जो स्मॉग पे बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो स्मॉग के इश्यूज टेक्निकली बताने शुरू किए सब लोग परेशान हो गए, इससे ये होता है, क्यों होता है, वहां से बनता है। सिंपलीफाई लफ्जों में अगर बताना हो, मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं,
इसी तरह जिस तरह ये मिसाल इंटरनेशनल इंडिया की है, जैसे लाहौर में स्मोक है, इस तरह न्यू दिल्ली में